पूरे देश में सबसे पिछड़ा जिला है नूह। यहाँ केवल 56% लोग ही पढ़े लिखे हैं। छात्राएं बहुत पहले से नूह में एक विश्वविद्यालय की मांग कर रही हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री को पोस्ट कार्ड लिखकर भेज रही थीं। लेकिन नूह हिंसा के बाद कर्फ्यू लगने और इंटरनेट बंद होने से उनकी ये मुहिम रुक गई थी। जिले में लड़कियों की मांग है कि वहाँ पर यूनिवर्सिटी का होना बहुत जरूरी है और हम इस मांग को पूर्ण रूप से सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ पर लड़कियों की शिक्षा के स्कूल तक ही सीमित रह जाती है, वो आगे तक नहीं पढ़ पाती। इसी के रिगार्डिंग सुनील जागलान ने पोस्ट कार्ड अभियान चलाया हुआ है, जिसके अंतर्गत हमने पीएम मोदी जी को पोस्ट कार्ड लिखकर भेजे हैं ताकि उन लड़कियों की पढ़ाई अच्छे से हो सके। मैं सेल्फी विद डॉटर टीम लाडो की सदस्य हूँ और नूह में बहुत सी लड़कियाँ सेल्फी विद डॉटर की मेंबर है और वहाँ सुनील जागलान जी द्वारा पोस्ट कार्ड अभियान चलाया गया है, जिससे लड़कियों की यूनिवर्सिटी बनाने की मांग है और इसका मैं समर्थन करती हूँ। नूह की सेल्फी विद डॉटर टीम की सदस्य बहनों की विश्वविद्यालय की मांग का समर्थन करती हूँ और इसीलिए सुनील जागलान जी द्वारा चलाए गए पोस्ट कार्ड अभियान के थ्रू आज हमने मोदी जी को पोस्ट भी किया, ताकि वो बहनें अपनी स्कूली शिक्षा की प्राप्ति के बाद आगे की शिक्षा को ग्रहण कर सके और अपने भविष्य को सुधार सके और इस देश के विकास में सहायक बन सके। नूह में विश्वविद्यालय न होने से लड़के आगे की पढ़ाई के लिए बाहर जाते हैं, जबकि ज्यादातर लड़कियां बीच में ही पढ़ाई छोड़ देती हैं। नूह में हिंसा से पहले 31 जुलाई तक प्रधानमंत्री को करीब 2000 पोस्ट कार्ड भेजे जा चुके थे। नूह की छात्राओं का सपोर्ट करने के लिए जींद, पंचकुला, अयोध्या और नागपुर की छात्राएं भी पोस्ट कार्ड भेज रही हैं। नूह और आसपास के इलाकों में हालात सामान्य होने पर यह अभियान फिर शुरू हो गया है। अगर नूह में विश्वविद्यालय खुल जाए तो 30 गांव की 20,000 छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा का रास्ता आसान हो जाएगा। हरियाणा में इस अभियान को चला रहे सेल्फी विद डॉटर अभियान चलाने वाले सुनील जगलान का जिक्र प्रधानमंत्री ने मन की बात के 100वें एपिसोड में भी किया था। हमारी लड़कियों की यहाँ डिमांड थी कि यहाँ पर भी महिला विश्वविद्यालय होना चाहिए और इसलिए मेवात महिला विश्वविद्यालय के लिए पोस्ट कार्ड कैंपेन लॉन्च किया गया और उसमें अभी तक करीबन 2000 पोस्ट कार्ड हमने प्रधानमंत्री जी को लिखे हैं, जिसमें मेवात महिला विश्वविद्यालय की डिमांड की गई है और ये पोस्ट कार्ड नूह भर के अलग अलग गाँव से लिखे गए हैं और मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी तक हमारा संदेश पहुंचेगा और जल्द ही हरियाणा के नूह जिले को मेवात महिला विश्वविद्यालय जरूर मिलेगा। नूह में हायर एजुकेशन के लिए छात्र छात्राओं को काफी दूर जाना पड़ता है। अगर यहाँ पर एक विश्वविद्यालय खुल जाए तो शायद छात्र छात्राओं के तरक्की का रास्ता भी खुल जाए। नूह से कैमरामैन मनोज ठाकुर के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।